आनंद लेते हैं ऐसी बातों का। विष्णु ने मारा है, अब मारा मेरे मुख, देखो मेरे मुख से, मेरे होंठ से खून निकल रहा है। आप भूल होगे, ये सामान कहां रखो? भरत पूछता है, देखो कितनी सरलता, कितनी मासूमियत, सारे जहान का मालिक सिर पर सामान उठा के आया हुआ है, उस रहा है निशानी जी ये सामान कर रखो, ये भगवान की बदला है, चमत्कार की कृपा है उसकी, कैसा स्वभाव है परमात्मा का, निशानी जी सामान कर रखो, सामान पकड़ के रख लिया। जाने लगे, अंतर्धान होने लगे तो वो कहा विशेष पूछे कौन सामान दे दिया है, तो कहना वही सेवक जिसके आपने हड़ताल लगाई थी वही सामान दे गया है। जगन्नाथ मिश्र लौटे सामान रखते हुए, रोटी बटने लगे, लेकिन मिश्रानी अभी भी बहुत क्रुद्ध है। द्वार खोला, द्वार खोलते ही टूट पड़ी मिश्र जी पर, मुड़े हो गया, सत्या शर्म नहीं आती, एक नन्ना सा बालक, इतना मासूम बालक, इतना कोमल उसका मुख क्यों थप्पड़ पड़ा। कह रहा था मैं नौकर मिश्र का, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा उससे व्यवहार करते। जगन्नाथ मिश्र पानी पाते, मिश्रानी क्या बात कर रही, मेरा कोई नौकर नहीं, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी को सामान देकर नहीं भेजा। एक क्षण लगा मिश्र को समझते हैं, जिनके नाम पर हड़ताल लगाई थी वह गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामान दे गए। मन ये कहते हूं जो मैंने लिखा है वह ठीक है, अर्थ नहीं है, उसी वक्त ठीक किया, काट के ठीक किया। तो खाना बना, खाना बनाया, जगन्नाथ मिश्र लौट के आए, कहा प्रभु मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आपको भोग न लगाऊंगा, ये मेरे से विश्रानी बहुत भाग्यवान है, इसे आप दर्शन दे गए को मैं ऐसी रह गया। परमेश्वर की गलती में देवी सचनों जो भी कोई गलती निकलता है या उसका बड़ा गहरा भुगतान भुगतता है, उसकी करनी में कभी गलती न सोचनी न कभी निकलनी, इसमें निकलनी। अतएव देरी, इतनी देरी भी सजा है, निशानी को पहले दर्शन दिए हैं, अब इसके बाद क्या होता है। खाना बनाया है, विश्रामी से बैठे इंतजार कर रहे हैं, आओगे भोग लगाऊंगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, तेरा प्रसाद। भगवान श्री उसी रूप में बालक बन के आए, मुख ठीक है, अब निशान नहीं है, जो ऊंट कटा हुआ था वह सब ठीक हो गया हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल होके आए हैं। माने जो हड़ताल लगाई थी, जो काटा था वह ठीक हो गया, तो ठीक हो गया। कहा मिश्र जो लिखा है ठीक लिखा है, गलत नहीं लिखा, तुम्हें आश्वासन हो गया ना, विश्वास हो गया ना इस बात का, हाँ अब जिंदगी में तुम्हें कभी घाटा नहीं पड़ेगा। भगवान श्री अंतर्धान हो गया, तीनों के तीनों व्यापारी भाइयों को घाटे पड़ने शुरू हो गए, अकपति हो गए, कक्षपति हो गए, तीनों के तीनों भाई आए, मिश्र के मत्था टेका, पैरी पहना किया, प्रणाम किया, कहा हमें नौकर रखो, नहीं मालिक बन के रहो लेकिन भजन पाठ करो। देवी सज्जनों, इस भजन पाठ को कभी नकारा नहीं समझना, कभी गौण नहीं जिंदगी में मानना। संसार में जो भी कुछ किसी को मिलता है वह भजन पाठ के कारण मिलता है, मैं कैसे विश्वास देता हूं आपको। भजन पाठ की महिमा बहुत अच्छा है,
की महिमा बहुत उच्च है। ये लखपति कब कखपति हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन बचाएगा? भजन पाठ बचाएगा। आइए अगली बात शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात नहीं है, जगन्नाथ मिश्र की बहुत पहले की बात नहीं है, मुंबई की बात है। एक भक्त किसी वक्त लखपति थे, आज कखपति है। भक्तों के साथ भी सब कुछ होता है, प्रारब्ध तो भक्त के साथ भी है ना। वह प्रारब्धहीन तो नहीं है, वह भी तो अपनी प्रारब्ध लेके आया हुआ है। आज कखपति हो गया है, सो व्हाट, एक भजन पाठ नहीं छोड़ा। मानो बाहर से हरी है, अंदर से माला माल है। बात तो अंदर की है ना, अंदर क्या है? अंदर से माला माल है, नाम की कमाई है। राम राम जपता है, प्रेम पूर्वक जपता है। जिस इसके साथ भी कोशिश करता है काम खोलने की, नौबत इस प्रकार की आ गई है कि मैं किसी के साथ कारोबार अपना खोलूं, जिस किसके साथ भी खोलता है उसको भी घाटा पड़ता है। मुस्करा के कहता है, वाराम लगता है तुझे मेरा नाम याद हो गया है। जिस किसके साथ लगता है उसको भी घाटा पड़ जाता है, मुझे तो घाटा पड़ता ही है, लेकिन जिस किसके साथ मेरा नाम जुड़ता है उसको भी घाटा पड़ जाता है। मुस्करा के कहता है, परमात्मा ऐसा लगता है तुम्हें मेरा नाम याद हो गया है। मन प्रसन्न है, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है? प्रार्थना अर्थात बातचीत है ना, प्रार्थना का अर्थ अर्थात परमात्मा से प्रेम पूर्वक वार्तालाप, इसी को प्रार्थना। बड़े आदमी को हुक्म तो नहीं किया जा सकता, बड़े आदमी के साथ आप बातचीत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? हाँ, प्रार्थना कर सकते हो, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हो। वो इतना बड़ा है, उससे जब भी बात करो प्रार्थना ही करना, निवेदन ही करना, मेरा निवेदन है, सभी में निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, इत्यादि इत्यादि। उससे बातचीत करने की जैसे मित्र एक दूसरे के साथ करते हैं, कैसे हिम्मत कर सकता है कोई? एक सहेली दूसरी सहेली के साथ करती है, देवरानी जेठानी के साथ करती है, कैसे हिम्मत कर सकता है उस परमात्मा के साथ इस प्रकार से बातचीत करने का? तो प्रार्थना, क्या प्रार्थना करता है? कहता है, प्रभु मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गरीबी मिटा दो, मुझे दुख सिर्फ इस बात का होता है जिनसे मैंने जिन लिया हुआ है, जब वो मांगने के लिए आते हैं तो मैं दे नहीं पाता तो मुझे बहुत कष्ट होता है, मुझे उलाहने देते हैं। ये उलाहने मेरे से सुने नहीं जाते। उलाहने भी क्या, और कर भक्ति और पढ़ अमृतवाणी का पाठ कर, जा सत्संग में, जा श्री राम शरणम इत्यादि इत्यादि, ये उलाहने सुनने पड़ते हैं तो मुझे दुख होता है। एक दिन प्रार्थना की, दो दिन प्रार्थना की, तीसरे दिन एक व्यक्ति आया है, कोई कहीं का लाला है। आके कहा, सेठ ये 3,000 रुपया रख, मुझे टोपियां बना, टोपियों का व्यापार होगा, उसका बनवाता होगा, बनाता होगा, जो कुछ भी करता था। कहा, इस 3,000 रुपये की टोपियां बना दे, मेरा पता जानने की जरूरत नहीं, एक महीने के बाद आऊंगा, टोपियां ले जाऊंगा। सच्ची कथाएं हैं देवियों, कोई ऐसी कहानी आपको नहीं सुनाई जा रही जो बनाई हुई हो, सच्ची कथाएं हैं, शास्त्र में लिखी हुई वर्णित कथाएं, आप बीतती जैसी होती हैं। 3,000 रुपया देके चले गए, मेरा पता पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आऊंगा, एक महीने के बाद आऊंगा और आकर टोपियां ले जाऊंगा। उन 3,000 रुपये में क्या चीज थी परमात्मा ही जानता है, माला माल हो गया ये सेठ। कहानी लिखने वाले कहते हैं, सेठ मर भी गया लेकिन टोपियां लेने कोई नहीं आया। योगक्षेम मैं वहन करता हूं, जो निरंतर विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से मेरा भजन पाठ करता है, जो मेरे से जुड़ा रहता है, भीतर से जुड़ा रहता है, स्मरण के माध्यम से, सतत स्मरण के माध्यम से मेरे से जुड़ा रहता है, उसका योगक्षेम मैं स्वरूप वहन करता हूं। जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को और आगे। अनेक संदेह नहीं करना, बंदा सोचे मैं किया, करना हर करता है।
एक भक्त की भावना होनी चाहिए, मात्र भावना नहीं विश्वास होना चाहिए। आप सामान्य बंदे नहीं हो। बंदा सोचे मैं किया कर्म हार करता, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनार। एक प्रत्यक्ष परमात्मा दिखाता है साधक जनों साधकों को, बाकी बंदे तो ठीक है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल सूक्ष्म चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।